अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सिलिकॉन एटम जिसे आप जानते हैं, मैंने ड्रॉ कर दिया है, सिलिकॉन एटम का स्ट्रक्चर पढ़े। सिलिकॉन एटम कार्बन फैमिली में आता है, जो उसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो तो टेट्राहेड्रल है, लाइक दिस, ठीक है। अब थ्री डी स्ट्रक्चर को लेकर अगर आप ड्राइंग बनाएंगे पेज में, इट विल बी टू कंबर्सम, टाइम टेकिंग, और उससे कोई बहुत विशेष एक्सप्लेनेशन नहीं निकल के आ जाएगा जो हमें कंडक्टिविटी के बारे में चाहिए। तो इसको तो हम ड्रॉप कर देंगे जानने के लिए, ठीक है कि हाँ थ्रीडी मॉडल ऐसा है, बट कागज पे समझने के लिए या एग्जाम में लिखने के लिए आप सिलिकॉन का प्लानर 2D व्यू बनाएंगे। ये 2D व्यू, 2D व्यू में भी मैंने देखा कई किताबों में अलग अलग तरह के सिंबल्स यूज किए, क्योंकि वो प्रिंटेड वर्जन है तो उनको वो प्रिंट करना आसान है। बट आप पहले देखेंगे जब आपको कागज पर बनाना है तो आप ये पैटर्न लेंगे, इसमें एक सिलिकॉन एटम है, ये इसका जो है जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद सेकंड में 8 है, फिर थर्ड में 4 है, टोटल 14 हो गए कॉन्फिगरेशन। सो जो सिलिकॉन एटम है, जो न्यूक्लियस प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस से पहले वाले, आउटर मोस्ट शेल के पहले वाले तक, इनको कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो दिस न्यूक्लियस प्लस दीज कोर इलेक्ट्रॉन्स आर टुगेदर नोन एज द कोर ऑफ द एटम, ठीक है। तो एटम का जो स्ट्रक्चर है अब सिलिकॉन या कोई भी, वो है एटॉमिक कोर प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक कोर इसको मैंने शेड कर दिया थोड़ा सा, प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब एटॉमिक कोर चूंकि किसी भी बॉन्डिंग में डायरेक्टली हम उसको हिस्सा नहीं ले रहा है, जो भी बॉन्डिंग हो रही है वो आउटर मोस्ट जो शेल है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में हो रहा है, जो टाइम हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको एक सिंगल पिक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिंगल पिक्चर ऐसे है कि सिलिकॉन कोर दिखा दिया और डीज आर द रिवॉल्विंग, दिस आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल। अब इसके अलावा आप सिंपल जो है ये ऑर्बिट दिखाने के बदले सिर्फ 4 डॉट्स में भी दिखा सकते हैं। देखिए अगर हम इसको यूज करेंगे, किताबों में इसको यूज किया है, तो आपको ये बार बार रिपीट करना पड़ेगा अगर आप सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाना चाहें। क्रिस्टल मतलब सॉलिड कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो कई सारे जब सिलिकॉन इकट्ठा एडअप होने लगे और फिर ये सारा, जैसे आप सब्जी की दुकान पर जाएंगे, फल देखें, टमाटर देखें, आलू देखें, उसको जैसे हम अरेंज करते जाते हैं, एक लेयर पहले बनाते हैं, उसके बाद अगला लेयर बनाते हैं, ऐसे करके, तो इसी तरह से एटम्स सिलिकॉन के इकट्ठे हुए और आपस में जुड़ गए, ठीक है। मोर साइंटिफिक बात यह है इन्फॉर्मेशन की टेट्राहेड्रल एंगल पर जुड़ गए, बट प्लैनेट कंडीशन में हम ऐसे दिखा सकते हैं 2D, तो जुड़ गए। अगर हम ये सिंबल यूज करेंगे सिलिकॉन में, हमें बार बार ये सारा बनाना पड़ेगा, ये भी यूज करेंगे तो ऑर्बिट्स, अगर आप इजी है तो ठीक है ऑर्बिट बना लीजिए, बट यहाँ भी फर्क है। उस किताबों में ये जो ओवरलैप दिखाया है शेयरिंग को दिखाने के, क्योंकि सिलिकॉन एटम में कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है, ठीक है, सेमीकंडक्टर, बट ये अगर आप इसको आगे और मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ भी कनेक्शन, यहाँ भी कनेक्शन, यहाँ भी सिलिकॉन एटम, चारों तरफ के 8-10 सिलिकॉन एटम को इकट्ठा करके देखना चाह रहे हैं, तो आपको फिर फिट करने में दिक्कत आएगा कि मैं अगला सिलिकॉन एटम कहाँ फिट करूँ, फिर इसको कहाँ लगाऊँ। तो उससे अच्छा है कि आप सिंपल डायग्राम बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कंडक्टिविटी के, को पिक्चराइज करके समझाने, ठीक है। तो इस पर मन इंगेज होइएगा कि मैं ऐसा ही बना के देना है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड समझाना है तो ठीक ऐसा इंगेज करके देना, बट अगर मुझे कंडक्टिव वगैरह समझाना है, कंडक्टिविटी वगैरह समझाना है, तो मुझे ऐसे करके जाना है। और सिंपल अगर मैं ऑर्बिट भी बनाना चाहता हूँ, तो ये बेसिकली है बॉन्ड बना, सिलिकॉन एटम जो है नेक्स्ट सिलिकॉन एटम के साथ कनेक्टेड, तो हम जो है अगर ये सिंपल लिंक्स बनाएंगे, इट इज मोर इजी टू ड्रॉ, ठीक है, और बाकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कोई फर्क नहीं। फर्स्ट थिंग मैं बता रहा हूँ आपको ये कि चूज द राइट सिलिकॉन एटम मॉडल एंड द राइट सिलिकॉन स्ट्रक्चर क्रिस्टल बिफोर यू आर गोइंग टू डेल्फ्ट पढ़ना, आगे पढ़ने से पहले आपको ये चीज, ठीक है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तो सिलिकॉन स्ट्रक्चर अगर मैं चूज कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है, इट इज मोर इजी, मोर फास्ट टू ड्रॉ, सो एडवाइजेबल है कि आप सिलिकॉन एटम को 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, तो फर्स्ट ऑर्बिट में फिर 8 है, फिर 4 है, ठीक है। तो कंडक्टर वो है जिसके इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में 1 है, ठीक है, मेटल्स हैं, और इंसुलेटर तो जिसके वैलेंस फुल है, तो
पार्टिक करेगा ही, उसको यूज करेंगे सर। सेमीकंडक्टर है जिसके हाफ फील्ड है, हाफ शेयर्ड, ठीक है। सो अभी क्या है कि जब कंडक्टर बन रहा है, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी अगर आप जाते हैं इनिशियल मान लीजिए, तो जब बिग बैंग हुआ बहुत सारी एनर्जी जो है वो लिबरेट हुई और फिर मटेरियल फॉर्मेशन हुआ, तो ऐसा लेके चलते हैं, तो ऐसा लेके चलते हैं अगर, तो सिलिकॉन क्रिस्टल कैसे बना होगा कि कई सारे सिलिकॉन एटम जो है वो इंटरलिंक होते चले गए, ठीक है। नाउ हम क्रिस्टल को एक बार ऑब्जर्व करेंगे कि वो जीरो केल्विन पर, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो, यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस, जहाँ बिल्कुल ठंडा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर हम आएंगे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर, ये तो कंडीशन देखेंगे, उसके बाद एक कंडीशन और लाएंगे और हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे चलेंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि मैं जीरो केल्विन पर, एब्सोल्यूट जीरो पर, तो वहाँ पे क्या है, लीस्ट वाइब्रेशन हो रहा है एटम जो है वो लीस्ट वाइब्रेशन करते हैं, क्योंकि एटम जो है काइनेटिक एनर्जी है, हम जो हीट फील करते हैं किसी चीज़ का ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वाइब्रेशन। सो जीरो केल्विन का मतलब है कि टेम्परेचर सबसे एब्सोल्यूट जीरो पर आ गया, तो वहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो मिनिमम है, ठीक है। तो अगर सिलिकॉन क्रिस्टल बनाया जाए तो ये सिलिकॉन आपस में इंटरलिंक है, और हर सिलिकॉन को शेयर करना पड़ेगा चार सिलिकॉन से अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मेट में, ऐसे आप बढ़ाते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये सही है। आप समझिए कि हमने जो है वो सीजर्स लेके कट कर दिया है, या हेक्सा लेकर के इस चीज़ को कट करके यहाँ से ऐसे हम कितने दिन का पिक्चर देख रहे हैं, उसके बाद अच्छा एटम आधा नहीं कट रहा है, ठीक है ना, बॉन्ड कट रहा है, ये ध्यान रखिए, ऐसे जैसे एटम को कट करके हमने बॉन्ड तोड़ दिया, मान लीजिए जहाँ भी हमने मटेरियल को कट किया सही करे कि उतने एटम अगर हटा दिए बॉन्ड, तो ऐसे आप डायग्राम बना दीजिए, ठीक है, कट कर ये बॉन्ड है, ये आपको समझिए कि एक घेराबंदी कर, है ना, कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन चल रहे हैं, ये समझिए कि सिलिकॉन का क्रिस्टल है, मैं उसका फ्रंट फेस दिखा रहा हूँ, ठीक है, सो बॉन्ड ऑल्सो डू नॉट एग्जिस्ट, फाइन। ज़्यादा मत जाइएगा, फिर बॉन्ड एक्सिस्ट नहीं कर रहा है, फिर उधर क्या है, तो ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में आएगा, तो पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए रहते हैं, हमारा फोकस एरिया यहाँ, इसको फोकस करिए, इसको फोकस करिए, किनारे को नहीं जाइए, ठीक है। तो एट जीरो के क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिलिकॉन के पास के इलेक्ट्रॉन्स थे वो बिल्कुल टाइटली फिट है, शेयर्ड है, अपनी जगह पर रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होती है, बना लीजिए वैसे, जितना आप हैंड ड्रॉ करेंगे उतना अच्छा है, उतना बेटर आपको समझ आएगा, ठीक है, उठा होगा देखिए। सो एट जीरो केल्विन ये स्ट्रक्चर, मतलब सिलिकॉन एटम अपनी जगह पे इंटैक्ट है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के वो अपनी जगह पर, और शेयर्ड है, जो कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये डेवलप, इतना ही। अभी अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं, यूनिवर्स ने इसका टेम्परेचर को बढ़ाया जीरो केल्विन से 298 रूम टेम्परेचर, 298 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, सो दैट इज रूम टेम्परेचर। तो अगर इसका टेम्परेचर मैंने बढ़ा के 298 केल्विन पे लाया तो क्या होगा, तो इट गॉट सम थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी,
तो जब मैं इसका हीट इंक्रीज कर रहा हूँ तो जो वाइब्रेशन है इंक्रीज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटॉमिक एटम्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। आप ऐसा समझिए कि आप पानी एक बर्तन में ले लीजिए और जब आप उसको गर्म करना शुरू करेंगे तो मूवमेंट्स तो होंगे मॉलिक्यूल के, आपको वाइब्रेशन भी दिखाई देगा बर्तन में, आवाज़ भी आनी शुरू हो जाएगी, साउंड भी आएगा। सो दैट इज ऑल द एक्सिबिशन ऑफ एनर्जी की भाई एनर्जी अपने आप को प्रेजेंट कर रही है कि मैं इंक्रीज हो रहा है इसको, ठीक है। उसी तरह से यहाँ बट ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसमें मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं, टूट के बाहर नहीं चले जा रहे, फिर वो लिक्विड बन जाता है। तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, उनके अंदर वाइब्रेटिंग एट दियर पॉइंट, नॉट दे आर रेस्टलेस, दे वर बिफोर एट जीरो कैलोरी दे वर आल्सो रेस्टलेस रेस्टलेस, बट थोड़ा वाइब्रेशन कम था, अब जो बहुत पुख्ता रहा है, दे आर वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग इन एट दियर स्पेस। सो इनके वाइब्रेशन के साथ क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एटम नहीं पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा है कि आप किसी को होल्ड करके रखे हुए हैं, पकड़ के रखे हुए हैं और उसको कोई एनर्जी दे रहा है ना, इस चीज़ को आप पकड़ के रखे हुए हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रांग, तो आपने होल्ड करके रखा है भाई ये मोबाइल, वही जब स्नैचर आता है तो आपसे ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ता है, उसको खींच लेता है ना। हाँ, बहुत स्ट्रांग रखे हैं तो उसको उससे एनर्जी लगानी पड़ेगी, ताकत लगाना पड़ेगा पकड़ के उसको खींचने। सो जब हम थर्मल एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है एंड द इलेक्ट्रॉन्स गेट स्नैच्ड, वहाँ से डिसलोकेट हो जाते हैं अपनी जगह से, सारे नहीं, सारे हो जाएंगे तो स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, सारे नहीं, बट सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स गेट एनफ एनर्जी टू डिसलोकेट देमसेल्फ, वो क्या है यहाँ से डिसलॉज हो जाता है, लॉज मतलब रहना, रहना खाना पीना लॉजी, यहाँ से डिसलॉज हो जाता है यानी इस जगह से वो हट गया, यानी ये बॉन्ड ब्रेक कर देता है, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, ठीक है। हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं रह गया हो, ठीक है, बट जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था इट जस्ट फ्लू अवे फ्रॉम हियर एंड ये फ्लू हो करके कहीं यहाँ आ गया इन बिटवीन दिस क्रिस्टल, यानी अब इस क्रिस्टल में घूमने लगा, जो भी स्पेस है बिटवीन इसमें ये घूम रहा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का सारे के सारे नहीं बट billions of silicon atom, so enough electron will come out at 298 Kelvin, ठीक है। वो आपने देखा है the power something जो है वो electrons silicon offer करने लगेगा at room temperature, so जगह जगह से टूटेंगे, ठीक है। नहीं हो सकता दोनों बॉन्ड भी टूट जाए, ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स करें, तो अलग एग्जाम्पल दे देते हैं कि यहाँ हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन डिस्लॉज हो गए, तो ये बॉन्ड खाली हो गए और जो यहाँ इलेक्ट्रॉन था ये भी निकल गया, यहाँ से कहीं दूसरी जगह भटक रहा है, यहाँ चला गया और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से डिस्लॉज होकर कहीं पहुँच गया, तो इनका घर बार छूट गया, दे जस्ट लीव देयर हाउस, दिस वॉज द हाउस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, सो इट छोड़ दिया अपना घर को, इट कम अप फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री हो गया, जहाँ मर्जी वहाँ जाना चाहिए ये जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का है, इट कैन वाइब घटना जो कहते हैं, ठीक है। इट विल जस्ट वंडर, विल वंडर फ्रॉम हियर टू देयर, वंडरिंग करता रहेगा। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स जो किसी एक एटम का सगा नहीं, वो किसी भी एटम के पास जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि किसके पास जाए ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते 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 गया एंड इट कैप्चर्ड, और कैप्चर करके अगेन बॉन्ड बन जाए, ये हो सकता है। तो एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जेनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन एट रूम टेम्परेचर, देखो रूम का मतलब मैं 25 डिग्री नहीं कह रहा हूँ, खाली 20 डिग्री पे भी होगा, थर्मल एनर्जी मिल चुकी है, तो डेफिनेटली ये प्रोसेस होगा, थोड़ा कम होगा, जितना ज़्यादा मैं एनर्जी पठाऊंगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ेगा, और ज़्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी, ये संभावनाएं बढ़ेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो टूट करके अपने एटम से निकल करके वो फ्री हो जाए, फ्री टू वाइंड इन द क्रिस्टल, डोंट नॉट गेट फ्री टू जंप फ्रॉम द आउट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इस मटेरियल से बाहर नहीं निकलेंगे, इसी कॉलोनी के अंदर ही रहेंगे। सो लेकिन हो सकता है कि भटकता 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 यहाँ तो वापस घर को आ जाए, लौट के पप्पू घर को आया, पुल हो या ना हो, बट जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें भटक रहे होंगे और भी कहीं कहीं से दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन आए हुए होंगे, तो हो सकता है कि किसी जगह जहाँ जगह खाली हुई थी और वो इलेक्ट्रॉन कहीं नज़दीक आ गया
तो इट कैन अगेन मेक अ पोजीशन हियर। तो जहां से इलेक्ट्रॉन हटा था, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन खाली हुआ था, जगह खाली की थी, वहां एक वैकेंसी क्रिएट हो। जैसे अगर क्लास में आप बैठे हुए और फुल पैक था पूरा सीट, और सर्टेन मान लीजिए कि स्टूडेंट किसी कारण से जाना पड़ा और ही लेफ्ट द क्लास, तो दैट सीट बिकम वैकेंट। तो नए देयर इज अ प्रोबेबिलिटी मे बी नियर बाई पर्सन कैन चेंज हिज पोजिशन अकॉर्डिंग टू हिज माइंड सेट कि भाई मुझे यहाँ से बेटर क्लासरूम में दिखाई दे। तो जर्नी के बगल वाला ही हो सकता है, कोई पीछे से आकर के वहाँ आकर बैठ जाए। उसी तरीके से जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन टूट के अलग हुआ है, यहाँ एक जगह खाली हो गई, यानी बैलेंस शीट जो है वो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन जो भटकता हुआ आकर के बैठ सकता है। तो जैसे ही बैठेगा तो इस पोजिशन को ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है, ये जो जगह खाली है इसको हम होल्स कहते हैं, खाली, इट इज अ वैकेंसी, सिटी वैकेंसी भी बोल सकते हैं, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल्स, फाइन, और कुछ नहीं, जगह खाली हो, सीट खाली। सो इलेक्ट्रॉन, एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम वॉन्डरिंग हियर एंड देयर मे कम हियर एंड दैट सिटी। तो दो चीजें, जब इलेक्ट्रॉन टूट के अलग होगा उसी समय फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, वो पहले ये बाउंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ बाउंड इलेक्ट्रॉन, ये बंधा हुआ है, इसको बंधन है। जब ये टूट के अलग हो गया इट बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री हो गया ये बाउंड। तो जब इलेक्ट्रॉन बना उसी समय होल बना, वैकेंसी निकली, एंड दैट वैकेंसी कैन कैप्चर एनी अदर फ्री इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन होल का एक पेयर बना, बेसिकली दो चीज पैदा हो रही है सर, फ्री इलेक्ट्रॉन एक होल। सो एट 298 केल्विन या सम टेंपरेचर नियर अबाउट रूम टेंपरेचर जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन शुरू हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो मैंने कहा कि संभावना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन के कैप्चर हो, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन के पास बहुत एनर्जी है, दैट्स व्हाई इट लेफ्ट द हाउस, दैट्स व्हाई लेफ्ट द सिलिकॉन एटम। सो दिस इज दिस प्रोबेबिलिटी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वहां आकर के अपनी काइनेटिक एनर्जी को स्लो करे, अपने एक्सेलरेटर का बाइक को कम करके कहे नहीं मैं आकर यहां सोना चाह रहा हूं, आराम करना चाह रहा हूं, बिकॉज इट हैज गॉट अ काइनेटिक एनर्जी इज वांडरिंग इन द पास्ट। सो व्हिच इलेक्ट्रॉन हैज अ प्रोबेबिलिटी अ पॉसिबिलिटी टू वेकेट इज नॉट अ पर्सन हु इज वांडरिंग इन द रूम बिकॉज ही हैज लेफ्ट द चेयर, अगर उसको बैठना तो बैठा होगा, बिकॉज ही हैज लेफ्ट द चेयर, चेयर छोड़ दिया तो ही इज नाउ गोइंग आउटसाइड, ठीक है, फॉर रिलैक्स और गेटिंग सम फ्रेश एयर। बट द पीपल सिटिंग ऑन द चेयर मे कम एट दैट पोजिशन डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेटिव पोजिशन, कि कौन आ सकता है। सो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि अगर एक होल क्रिएट हुआ तो जो नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स है कहीं से भी दे कैन कम एंड फिल, दे कैन कम एंड फिल। सो ये रिकॉम्बिनेशन यानी फिर से कंबाइन हो, तो दो प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, होल्स बन रहे हैं, होल्स को फिल करके दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, होल्स का ही और बन गया। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं और फिर कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, सो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रीजनरेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। सो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, तो सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल में हमेशा रहते हैं, एंड सर्टेन नंबर ऑफ होल्स जो है वो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए उतने होल्स हैं, बट ये कॉम्बिनेशन होता रहेगा, फाइन। तो अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर रहे हैं वाली जगह पर, सपोज ड्रॉप द एनर्जी, इट लूज द एनर्जी, एक ही तरीका अगर उसको आकर के उसके साथ कंबाइन करना है तो इट हैज टू लूज द काइनेटिक एनर्जी, सपोज इट लूज द लॉस्ट द काइनेटिक एनर्जी बाय सम मींस, सो देन इट कैन कम बैक एंड कंबाइन विद द बैलेंस दैट इज होल, सो दैट इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन। सो बेसिकली जो बुक कह रही है वो ये कह रही है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा है और फिर सर्टेन लाइफ टाइम के बाद अगेन दे आर कंबाइन अगेन बिकॉज ऑफ थर्मल वाइब्रेशन, थर्मल एनर्जी समवेयर इन द क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज गेटिंग जनरेटेड एंड समवेयर इट इज गेटिंग कंबाइन। सो एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा थर्मल उस टेम्परेचर पे जहाँ पे जनरेशन की कॉम्बिनेशन होता रहेगा। सो हमारे पास क्या होगा एट 298 केल्विन या रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे, हमारे पास सिलिकन
क्रिस्टल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे एंड वैकेंसीज भी होंगी, तो कंडक्टर में नहीं होंगे। कंडक्टर में सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस में जो होते हैं, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं। तो सेमी कंडक्टर यहाँ डिफर करता है कंडक्टर से कि कंडक्टर में ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और मूवमेंट जो होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होगा, बट सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जहाँ फ्री होते हैं वहाँ एक जगह खाली होती है, ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर के बढ़ने से हो रहा है। कंडक्टर में क्या है, जब कंडक्टर फॉर्म हो रहा था तभी दोनों दो एक के बाद दो एटम आसपास में लगा तो उसके दोनों के इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और घूमने लगा। यहाँ ये चीज नहीं हो रहा, यहाँ पर ये बाउंड था। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते देखे आए रूम टेम्परेचर पे 20 डिग्री 25 डिग्री, देन दिस बॉन्ड्स ब्रेक एंड देन हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिला। तो यहाँ होल्स भी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दिस इज हैपनिंग एट 298 केल्विन। So that's why we get some considerable number of charge carriers in comparison to insulators which do not allow any of the electrons to leave that. तो insulator क्या इतना intact है कि जल जाएंगे वाला बात है लेकिन टूटेंगे नहीं। तो वो क्या है कि अगर आप उसे कुछ पास कराना चाहेंगे electricity को तो finally it will burn, start burn. बट ये क्या कर रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहा है, इट विल अलाउ सम ऑफ द करंट टू फ्लो थ्रू, बट दैट विल बी नॉट अ कंसिडरेबल अमाउंट इन कंपैरिजन टू अ कंडक्टर। अगर मैं जो अमाउंट्स कह रहा हूँ उसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा सेमी कंडक्टर से एक कंडक्टर के लिए। सो दिस इज हैपनिंग एट 298 केल्विन। जीरो केल्विन में क्या है, सब इंटैक्ट होता है, मौसम ठंडे का मौसम, सब अपने अपने हाथ में रजाई के अंदर सिमट के बैठे हुए हैं। उसी तरीके से जीरो केल्विन में ये वाइब्रेट तो कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है, बट दे आर नॉट द स्ट्रक्चर इज नॉट गेटिंग ब्रेक, ब्रेक नहीं होता। जब हम टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, राइज करके 298 केल्विन तक जा रहे हैं, 25 डिग्री तक, 20 डिग्री तक, 15-20 जो भी है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है सिस्टम वार्म हो रहा है, क्रिस्टल वार्म हो रहा है, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। इसके बाद ये जो सिलिकॉन था जीरो केल्विन पर था या 298 केल्विन पर था, इसका सिर्फ सिलिकॉन ही सिलिकॉन शुद्ध है ना, सच्चा जो खड़ा सोना था सही 100% शुद्ध सिलिकॉन ये बनाएंगे, डेफिनेटली इसका प्रोसेस है 100% शुद्ध सिलिकॉन बनाने का। लेकिन अगर मैं सिलिकॉन स्ट्रक्चर क्रिस्टल बनाया है तो ये 100% शुद्ध, ठीक है। सो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू कंडक्टर, इट इज वेरी वेरी लो, फाइन। सो इसको हम कहते हैं प्योर सेमी कंडक्टर, क्योंकि इसमें सिर्फ सिलिकॉन सिलिकॉन है और कुछ भी नहीं। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर जिसको बोलते हैं, ये इसका मोर साइंटिफिक नेम है, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, इंट्रिंसिकली अंदर से ये प्योर सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। लेकिन अगर इसमें हम कोई दूसरा एटम ला करके रखते हैं सिलिकॉन की जगह सारा, तो एक दो हार्ट चेंज कर, तो इट विल बिकम इम्प्योर। जैसे प्योर मिल्क था उसमें अगर एक बूंद पानी भी डाला तो इट बिकम इम्प्योर, बट दैट इज नॉट कंसिडरेबल, है ना, उसको आप कहेंगे ठीक है शुद्ध पानी। लेकिन एक किलो दूध में एक पाव पानी मिला दूंगा, फिर आप कहेंगे 100 ग्राम में मिला दूंगा, तो आप कहेंगे 100 ग्राम तो 900 ग्राम मिल्क है, 100 ग्राम तो पानी, सो इट बिकम इम्प्योर। सो इम्प्योरिटी ऐसा क्या करता है कि हमें इम्प्योर सिलिकॉन बनाना है, सारा कहानी इसी का, ठीक है, कि हम इम्प्योर सिलिकॉन क्यों बना रहे हैं। और आपको हिंट मालूम है, आपने पहले भी पढ़ा है कि इम्प्योर सिलिकॉन आपको पता है कि बेटर कंडक्टिविटी है, बट यहाँ पे टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो आप बुक्स में पढ़ते हैं दैट इज रॉन्ग, ठीक है। उस प्रोसेस को जिसमें हम किसी भी दूसरे एटम को, ठीक है, उसको इम्प्योरिटी कह देते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलिकॉन, ये इम्प्योरिटी मैच कर एटम। सो जो दूसरा एटम है जो कार्बन फैमिली से नहीं एलियन है उससे नहीं, उसको इम्प्योर ठीक है, तो उसको क्या लिखता है किताब में कि इम्प्योरिटी हमने जो है एटम को ऐड किया, ओके, ही ऐड सर्टेन इम्प्योरिटीज एंड दैट एडिशन इज नोन एज डोपिंग। सो डोपिंग, बट एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको कि हम एटॉमिक लेवल पे ऐड नहीं कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए ऐड करने पे कहाँ बैठने की जगह, अगर मैं सिलिकॉन एटम है और सबकी अपने अपने जगह पर बैठे हुए हैं तो मैं अगर कोई एटम इसमें ऐड करूँ तो कहाँ बैठेगा जाकर। सो इट विल रिप्लेस अ सिलिकॉन एटम
ठीक है, एंड देन वहां बैठे। तो दिस इज डिफरेंस। डोपिंग का मतलब आपको डेफिनेशन देख लीजिए, कोई काटता नहीं है, कोई गति नहीं निकालता, बट एट लीस्ट वी आर नॉट एडिंग, वी आर एक्चुअली रिप्लेसिंग द सिलिकॉन एटम विद दैट पर्टिकुलर, दैट दैट इज नोन एज डोपिंग। सो डोपिंग वर्ड आपने स्पोर्ट्स में सुना होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ अ केमिकल चेंजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। सिमिलरली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस इंप्योरिटी चेंजेस द कंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सेमी कंडक्टर, ट्रेमेंडसली चेंज करता है। ठीक है, तो डोपिंग वर्ड हो सकता है वहाँ से लाया गया हो, ठीक है, बट आपको याद करने के लिए बात तो भी देखेंगे कि अगर इस सिलिकॉन एटम में हम ऐसा क्या मिक्स करें कि मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज करता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी घटना एक बात है, हम जब डोपिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जो है ये भी डिपेंड करता है कि भाई कितना सा करंट फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पासिंग पर यूनिट सेकेंड जब हम वोल्टेज होता है। क्वांटम के और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बातें हैं, बट हम अभी सिंपल सिंपल व्यूज में इसको समझ पाए। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इम्प्योरिटीज यानी हम जो कंडक्ट सेमी कंडक्टर बनाएंगे उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कुछ हम इसमें ऐड करने वाले हैं बाहर से, एक्सटर्नल कुछ है जो उसमें हम रीड करेंगे, बट हम रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, मतलब आप ये समझिएगा कि ये एक यात्रा है सिलिकॉन की कंडक्टिविटी को बेटर करने में, जीरो करने से 290 तो नेचुरल हो गया, चलो उसमें मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आ गए, बट अब हम आर्टिफिशियली उस चार्ज कैरियर को बढ़ाएंगे क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हमारे पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, जितनी कंडक्टिविटी हम चाह रहे थे ठीक है थियोरेटिकली वो नहीं आया, तो हम जो है कंडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका ढूंढ निकाल रहे हैं, दैट इज नोन एज। तो डोपिंग में क्या होता है कि दो तरह से डोपिंग की जा सकती है, ये तो सारा स्ट्रक्चर हो गया, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। सो मैं बताने जा रहा हूँ एक्सट्रिंसिक। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब जो प्योर नहीं, यानी जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटी का मतलब है कि ये कंडीशन तो बना हुआ है, ये मैं एट 298 कर दूं, चलिए आपको 298 एट 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है कि हम हमारे पास दो तरह के आइटम, ये तो टेट्रावेलेंट यानी जिसके बैलेंसी में आउटर मोस्ट शेल में चार है, ठीक है, इसके पास तो चार है। ट्राइवेलेंट यानी जिसके आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, एंड पेंटावेलेंट यानी जिसके आउटर मोस्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन। तो ये एक एटम है जिसको बोरॉन कहते हैं, बोरॉन के पास एक दो तीन, ठीक है, या आप ऐसा बना देंगे बोरॉन फिर आप जैसे सिलिकन है उसके पास तो चार, फॉस्फोरस है उसके पास ये ऑरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारा अपना सिर्फ समझने के बना इंडिकेटिव, ठीक है। सो इस डोपिंग से पहले जो दोबारा रिकॉल करवा रहा हूं कि जब 25 डिग्री सेल्सियस में हम सेमीकंडक्टर को लेके आते हैं तो हमारे पास दो तरह के चार्ज कैरियर, एक है जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसने घर बार छोड़ दिया और वो पूरे कॉलोनी में कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, घर किसी के नहीं जाएगा, ठीक है, बंजारा आवाज हो गया बट इज फ्री, गुड नेम इज फ्री बिकॉज इट इज डूइंग गुड वर्क, आवाज होता तो फिर वो कुछ नहीं करता, तो इट इज डूइंग गुड वर्क। सेकेंड इज दिस होल, होल इसका इंडिकेशन का इलेक्ट्रॉन नहीं है, होल चेयर नहीं होकर के कहीं जा रहा, चेयर के मूव करने से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इंपल्स को मूव करना। सो दूसरा तरह का जो चार्ज करियर है वो भी इलेक्ट्रॉन ही है, वो जंप करता है एक एटम से दूसरे एटम पर,
यानी वो बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं इसको किसी सप्लाई से कनेक्ट कर दूं, मान लीजिए मैंने एक टर्मिनल वोल्टेज यहां लगा दिया, ये नेगेटिव पोलैरिटी पर और इधर इस सिस्टम के अक्रॉस ऐसे पॉजिटिव पोलैरिटी लगा दी, ठीक है, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को तो ये खींचेगा पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ आ जाओ, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होके जाएगा आराम से हाई पे बैठ जाएगा, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है जो एटम पे बैठा हुआ उसको भी कुछ ड्रिफ्ट मिलेगा एनर्जी, थर्मली एनर्जी तो उसके पास नहीं तो बट वो फ्री नहीं है, वो क्या करेगा जंप करेगा, इस एटम से इस एटम, ये जगह खाली हो जाएगी तो बगल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो ये कूद 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 करके पहुंचेगा और ये फ्लाई करके पहुंचेगा, मतलब एक के लिए तो फ्री वे है, एक आदमी रोड से भागा या दौड़ा और एक एक मकान से दूसरे मकान, दूसरे मकान से दूसरे मकान जंप कर रहा है, सो वो बाउंडेड है, वो कभी भी हाईवे पे नहीं उतर रहा है, सो इट विल बी स्लो डेफिनेटली, ठीक है, बट इट इज आल्सो टेकिंग पार्ट इन द कंडक्शन प्रोसेस। सो इस बात को ध्यान में रख के हमारे पास ये मैनिपुलेशन टेक्निक है कि हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन यानी होल्स की संख्या बढ़ा दें या हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दें, आप कहेंगे नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे फ्री अच्छा है, बट दोनों की यूटिलिटी मिलेगी क्योंकि हमारा गोल सिर्फ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना नहीं है, इन दोनों को मिला करके जोड़ करके एक ऐसी चीज बनाना है जो कि आधार बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर हम यहां रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि नहीं नहीं बाउंड इलेक्ट्रॉन तो स्लो है सो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो हम जो है वो गलती करते हैं, हमें क्या है साइंटिस्ट इंजीनियर को सारी संभावना को देखना होगा, अच्छा इस ये दिख रहा है कि यूटिलिटी नहीं है या इसका ये कमी है, बट क्या इसका और कोई एस्पेक्ट है जो हमें इस चीज को करने पर ही पाइंट, ओके, सो हम लोग जो है दो तरह के चार्ज कैरियर क्रिएट करेंगे, एक करेंगे जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, दूसरा करेंगे जिसमें कि होल ज्यादा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन को ज्यादा करने मतलब वो एटम लीजिए, वो एटम लीजिए जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यानी गिविंग व्हिच इज अ डोनर, जो डोनेट कर ले लो तुम्हारा होता है, सो इसको कहेंगे डोनर, इसको कहेंगे डोनर जो डोनेट कर अपने लिए नहीं रखता आपको दे दिया, ठीक है, अगर मैं किसी जगह सिलिकॉन है जैसे मान लीजिए इंटैक्ट, यहां मैं फास्फोरस रखता हूं, तो फास्फोरस के चार जो इलेक्ट्रॉन्स थे समझिए, अगर मैं जीरो केल्विन पे लेके जाता हूं तो क्या होगा, जीरो केल्विन पे लेके जाता हूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन आप अब इसका भूल जाइए।